हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 काफ़ी आसान है, जो कि आप पहले से करने के लिए जानते हैं। 11th क्लास के फिजिक्स में आप किए होंगे, उस टाइप के प्रॉब्लम का डिस्कशन है ना। तो चलिए पहले एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ वैक्टर्स का, है ना। उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का डिस्कशन, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताए थे यदि किसी पॉइंट 2D ज्योमेट्री में, है ना, जो कि आपको याद रखना चाहिए ऐसे ये सब चीज़। इसीलिए अभी हम पहले ये सब चीज़ बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम। बाद बाकी लेक्चर तो आप देख ही लिए हैं। तो यदि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y रहे, है ना, यदि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y रहे, तो पॉइंट P का पोजिशन वैक्टर यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, या कोई पॉइंट किसी स्पेस में P है, ठीक है, मतलब एक स्पेस है जिसे ब्लैक बोर्ड भी एक स्पेस ही है, इसी स्पेस में एक पॉइंट P हम ले लेते हैं। और यदि आपसे कोई ये पूछे कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा क्या, तो आप क्या कीजिए, ओरिजिन से पॉइंट P को मिला दीजिए। ओरिजिन से पॉइंट P को मिलाने वाला जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट जैसे यहाँ पॉइंट P है और यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट P को मिलाने वाला डायरेक्ट लाइन सेगमेंट हो गया क्या, OP वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब OP वेक्टर ही इस पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ। अब यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको कहीं निकालने के लिए, तो x कोऑर्डिनेट में x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आता है, उससे आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, और y एक्सिस में y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ में आया क्या? अब जैसे मान लीजिए ओपी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछेगा, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, हम आपको ओपी का ही नहीं बल्कि जितना भी वेक्टर्स है, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर आई जे के का जो कोफिशियंट है, उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कर लीजिएगा। समझ में आया क्या? निकल जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर मेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर का, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। समझ में आया? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी यदि आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आप याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर के अलोंग यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ओपी बाय वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी क्या है, x इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे बाय ओपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, ये है ना, पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर जे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, यहां पर हम आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी डिस्कशन किए थे, तो चलिए कर लेते हैं यहां पर भी। अब जैसे आपको मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर ओपी का बात करेगा, तो हम आपको बताएं किसी भी वेक्टर का यदि आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना रहे, ठीक है, तो उस वेक्टर में आई जे के का जो कोफिशियंट है, यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के का जो कोफिशियंट है ना, वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। इसमें वेक्टर जो यहां पर लिखा हुआ है, वेक्टर ओपी जो लिखा हुआ है ना, एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे, मतलब जे तक ही लिखा हुआ है ना, तो यूनिट वेक्टर आई और जे का जो कोफिशियंट होगा, वही क्या कहलाएगा, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, ये ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी, यदि आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी पूछा जाए, तो वेक्टर ओपी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर ना, उसी का स्केलर कंपोनेंट, समझ में आया क्या, उसी वेक्टर में आई जे के का ऑफ स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां देख लीजिए, आई और जे में ही केवल वेक्टर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओपी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया है, ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर यही है, तो इसी में आई जे का जो कोफिशियंट है ये और ये, यही क्या कहलाएगा, वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन हम करा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज पहले से हम करा चुके हैं ना, बोल चुके हैं पहले ही ये सब के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन आप बोल सकते हैं इसको, y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ब्रैकेट को हटा करके जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक वेक्टर के अंदर में आप इतना सारा चीज निकाल सकते हैं। अब जैसे कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, समझिए यहां पर,
जैसे मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं लेट, क्वेश्चन ही है एक तरीका से, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर इज एक्स कॉमा वाई, देन फाइंड वेक्टर आर। यदि आपसे कोई ये पूछे किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है तो वेक्टर आर क्या होगा, या वेक्टर आर फाइंड आउट करो, मतलब वेक्टर आर निकालो, ठीक है, तो आप वेक्टर आर क्या बताएंगे? यदि आपसे कोई वेक्टर आर के बारे में पूछे और ये बोल दे वो कि वेक्टर आर का जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है ना वो दिया हुआ है तो वेक्टर आर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इससे क्या पता चलती है, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इससे मेरे को यही पता चलती है कि उस वेक्टर का, जो भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट मेरे को दिया हुआ है आई जे के का। तो यहां आई और जे का स्केलर कंपोनेंट दिया हुआ है, केवल यदि वेक्टर आर आपको लिखना रहे है ना इसके हेल्प से, इसमें आई इसमें जे से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो वेक्टर आर लिखा जाएगा। चूंकि वेक्टर आर जब इस प्रकार से होता तो ही वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। अभी यहां पर देखिए रेशियो ही दिया हुआ है तो वेक्टर पूछ रहा है, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। जैसे कभी कभी आपसे कोई आदमी ऐसे पूछ सकता है, एक लाइन है जिसका कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, ए बी सी, ठीक है, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा ना, इसी लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, उस वेक्टर को लिखने के लिए यदि आपसे बोला जाए तो आप अलोंग का मतलब पैरेलल होता है, ठीक है, यदि ये दोनों पैरेलल है और वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, इसको उठा करके इसके ऊपर चढ़ा भी सकते हैं, समझ में आया क्या? यदि एक किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी और उसके अलोंग यदि आपको वेक्टर लिखना है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें आई इसमें जे इसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, मतलब यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका। मतलब एक बात क्लियर है यहाँ पर, यदि किसी लाइन के अलोंग यदि आप किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसके अलोंग यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो आप आराम से ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और, यदि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो आप इसके अलोंग क्या निकाल सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं? यदि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या मालूम है आपको, इसका मतलब इस लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना वो मालूम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट ही तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसका मतलब इस लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो आपको पता है। मान लेते हैं ये एक यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है इस वेक्टर के अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एल इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस एम इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस एन इंटू यूनिट वेक्टर के। समझ में आया क्या? काफी आसान है, मतलब एक वेक्टर से आप इतना सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो आप उस वेक्टर को लिख सकते हैं, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, यदि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो आप उस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, यदि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उस लाइन के अलोंग आप क्या लिख सकते हैं, उस लाइन के अलोंग वेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही सारा बात हम आपको पहले भी करने के लिए बताए थे, आज रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां देखिए इस जगह का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इसका मतलब मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इसका मतलब यहां का मेरे को ओपी वेक्टर लिखना है, ठीक है, तो ओपी वेक्टर आप पहले लिख लीजिए ऐसे कर करके, ओरिजिन से पॉइंट पी को मिलाने वाला जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा ना वही वेक्टर ओपी होगा और ओपी का स्थान यहां पर होगा, पोजीशन यहां पर होगा। तो चलिए देखिए इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो, और यहां से यहां तक हो जाएगा क्या एक्स, ये एक्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस है और ये वाई जो है ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब देखिए मेरे को ओपी वेक्टर लिखना है, ओपी वेक्टर यही तो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर को लिखने के लिए आप क्या कीजिए, इसका डायरेक्शन इधर दीजिए इसका डायरेक्शन इधर दीजिए ताकि ओपी क्या हो जाए, रिजल्टेंट बन जाए, ये हो जाएगा ओपी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ये एल है ये पी है,
तो इसको आप लिख सकते हैं ओ एल प्लस क्या एल पी वैक्टर। ओ एल वैक्टर कैसे लिखेंगे, ओपी वैक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, देख लीजिए इस वैक्टर के हेड पर इस वैक्टर का टेल है तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट वैक्टर को लिखने का तरीका है ये वैक्टर प्लस ये वैक्टर, समझ में आया क्या। तो ओ एल वैक्टर मेरे को लिखना है, तो ओ एल का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वैक्टर अलॉन्ग ओ एल, ओ एल देख लीजिए ये है एक्स एक्सिस पर हम काटे हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर होता है आई कैप। और एल पी वैक्टर मेरे को लिखना है, यदि कोई भी वैक्टर आपको लिखना रहे ठीक है तो उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके अलॉन्ग यूनिट वैक्टर क्या है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको वैक्टर निकल जाएगा। देख लीजिए ये वैक्टर एल पी है ठीक है, और ये वाई एक्सिस के मतलब ये और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, नहीं ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, समझ में आया क्या। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वैक्टर होगा वही यूनिट वैक्टर इस वैक्टर के अलॉन्ग भी चलेगा, क्या करेंगे इसमें हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से ये दोनों पैरेलल है इसके और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर जे। जब दो वेक्टर पैरेलल है या दो से अधिक वेक्टर पैरेलल है सभी के लिए यूनिट वेक्टर हम क्या करते हैं एक ही यूज करते हैं ठीक है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जे ही। और ओ एल देख लीजिए यहां से यहां तक का लेंथ है एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे, तो ओपी वेक्टर मेरे को मिल गया। अब चलिए ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका हाइपोटेनस निकालना है। इसका देखिए बेस पता है परपेंडिकुलर पता है, इसका मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ में आया क्या, ये निकल गया ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फिलहाल अभी आप रट लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे ऐसा डायरेक्शन कोसाइन इसका कैसे एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है और कॉमा वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, आगे हम आपको बताएंगे थ्री डी ज्योमेट्री में ठीक है। आगे देखिए यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रहे तो वेक्टर ओपी क्या होगा, अच्छा ये दो नंबर का ना वेक्टर ओपी क्या होगा, तो इसमें यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई कीजिए। और ओपी का मैग्नीट्यूड यदि आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो क्या निकल जाएगा वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब यहां पर आपसे पूछेगा क्या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ओपी, तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ओपी कैसे निकालते हैं हम लोग, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना रहे ठीक है और वेक्टर यदि दिया हुआ रहे तो उसमें यूनिट वेक्टर आई जे के का जो कोफिशिएंट है ना वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है ठीक है। तो यहां देख लीजिए आई जे के का कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड, तो यही क्या हो जाएगा इस वेक्टर का वेक्टर ओपी का डायरेक्शन रेशियो ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन यदि आपसे पूछा जाए और डायरेक्शन रेशियो यदि आपको पता रहे तब भी आप निकाल सकते हैं, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक्स कॉमा वाई है और इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपसे कहीं निकालने के लिए तो एक्स बाय ये दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से डिवाइड लगा दीजिए फिर वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो रहे और आपको डायरेक्शन कोसाइन कहीं निकालने के लिए तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट और जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, समझ में आया क्या। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन आपको कोसाइन निकालने के लिए बोला जाए और डायरेक्शन रेशियो यदि पता रहे उसका तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या नहीं तो इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए और उसी का स्केलर कंपोनेंट आप लिख लीजिए ठीक है ना, आई जे के कोफिशिएंट आप लिख लीजिए वही क्या कहलाएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, समझ में आया क्या। तो आप ऐसे ऐसे ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा बेटर लगता है कि यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तब आपको डायरेक्शन कोसाइन के निकालने के लिए, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स उनको डिवाइड कीजिए तीनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, और जिनसे आप एक्स को डिवाइड किए हैं उसी से वाई को भी कीजिए और जेड को भी कीजिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पर यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, आपको ये दिया हुआ है टू थ्री वन और आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन के निकालने के लिए टू बाय तीनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ये कितना जाएगा दो का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन और वन मतलब रूट अंडर फोर्टीन हो जाएगा, थ्री बाय रूट अंडर फोर्टीन एंड वन बाय रूट अंडर फोर्टीन, इस बात को आप याद रखिएगा ठीक है ना। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन
रेशियो बता रहे, फिर उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन के है आपको निकालने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज कर करके या नहीं तो दिमाग थोड़ा सा चला लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की ओर। सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूला का सेक्शन का मतलब होता है विभाजन, है ना, मतलब बांटना होता है, समझ में आया क्या। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखिए तीन टाइप का डिवीजन होगा, ऐसे डिवीजन तो दो प्रकार का ही होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं, समझ में आया क्या, उसको मिला करके हम लोग क्या करते हैं, तीन टाइप का डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरनल डिवीजन का बात कर लेते हैं। इंटरनल डिवीजन, ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, और इसी लाइन ए बी पर कोई पॉइंट पी है जो वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर आर हम लोग लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यदि हम ऐसे बोलते हैं, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यदि हम बोल देते हैं ऐसे वेक्टर ए, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यदि हम वेक्टर बी बोल देते हैं, और चूंकि ये वेरिएबल पॉइंट है तो हम आपको ऐसे बता सकते हैं इस चीज के बारे में कि पॉइंट पी जो है ए बी को एम इंस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट पी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, यदि कोई लाइन है ए बी और उसका एक्सट्रीमिटीज मतलब होता है एंड पॉइंट, है ना, तो उसका एंड का यदि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है, पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है ए बी के ऊपर, ठीक है, जो ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यदि आपसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछे या पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछे, तो आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला आप रटे हैं ना, वही वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर यदि आपसे पूछे, पॉइंट पी पूछे, ठीक है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर पूछे, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। यहां बस एक ही चीज याद रखना है, एम को क्या करना है, वेक्टर बी में पूरा पूरी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और यहां एन को पूरा पूरी वेक्टर ए में मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर दोनों रेशियो को आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। समझ में आ गया, काफी आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। यदि आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना रहे और आपको ये पता रहे पॉइंट पी जो है ए बी को इंटरनली एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड किया है, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मेरे को बताइए, तो आप क्या कीजिए, जैसे वहां मल्टीप्लाई करते थे इसको इससे मल्टीप्लाई वही करना है, बट एम को क्या करना है, पूरे पूरी वी में मल्टीप्लाई कर देना है, और एन को पूरा पूरी वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट पी जो है ना ए बी के अंदर में ए बी को है ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो दिया हुआ है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। चलिए फिर से एक बार, है ना, यहां देखिए यदि पॉइंट पी ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे, ठीक है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, करेंगे हम लोग क्या, पॉइंट पी का यदि कोऑर्डिनेट कहेगा निकालने के लिए, इस एम को पूरा पूरी वेक्टर बी में मल्टीप्लाई कर देंगे और एन को वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर दोनों के रेशियो को ऐड करके डिवाइड लगा दीजिएगा, समझ में आया क्या, उससे क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है, काफी आसान है, चलिए इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ आइडिया आएगा आपको। जैसे देखिए ए का पोजीशन वेक्टर है 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस जे प्लस के, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है 3 इंटू आई प्लस 4 जे माइनस यूनिट वेक्टर के, ठीक है, और कह रहा है क्या, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करके बताओ, जब ये 2:1 के रेशियो में इंटरनली क्या कर रहा है, पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। बस आपको करना कुछ नहीं है, पॉइंट पी का यदि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो सीधा सीधे आप ऐसे लिख लीजिए, पी ऑफ आर इक्वल्स टू 2 से पूरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू यूनिट वैक्टर आई प्लस 4 इंटू यूनिट वैक्टर जे माइनस यूनिट वैक्टर के प्लस क्या 1 इंटू इस ये है ना 2 इंटू यूनिट वैक्टर आई माइनस जे प्लस यूनिट वैक्टर के बाय कितना 2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप 2 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी
इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 8 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 2 इंटू यूनिट वेक्टर के प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई। 1 से करने पर कोई इफेक्ट नहीं देगा ये, है ना। प्लस कितना आ जाएगा ये बाय 3। अब चलिए यहाँ पर 8 यहाँ 6 यहाँ है 2 यहाँ है, कितना आ जाएगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर आई। यहाँ पर 8 जे है यहाँ माइनस जे है, प्लस 7 इंटू यूनिट वेक्टर जे यहाँ माइनस 2 के है प्लस यहाँ के है, तो माइनस इतना बाय कितना आ गया 3। आप चाहें तो 8 बाय 3 इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 7 बाय 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 1 बाय 3 इंटू यूनिट वेक्टर के। ये किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी का, ठीक है ना। यदि यहीं पर एक्सटर्नल डिवीजन होता, बस कुछ करते कुछ नहीं, क्या करते केवल माइनस माइनस लगा देते, फॉर्मूला हम इंटरनल वाला ही यूज करते, बट क्या करते यहां पर केवल माइनस लगा देते यहां पर भी और यहां पर भी, बस एक्सटर्नल डिवीजन का बात कर लेते। और यदि मिड पॉइंट का बात करता यहां पर, ठीक है, तो सीधा सीधे यहां क्या करते, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगाते। जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं ना, वही कंसेप्ट यहां भी लग रहा है, 10th क्लास से बाहर का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पर। एक्सटर्नल डिवीजन इसमें क्या है, इसमें भी यही बात है, ए का कोऑर्डिनेट यदि पॉइंट ए दिया हुआ है और बी का पोजीशन वेक्टर यदि पॉइंट बी, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। और देख लीजिए पॉइंट पी जो है ना ए बी से बाहर है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है, ए बी से बाहर पॉइंट पी होगा और जिनका पोजिशन वैक्टर क्या होगा, वैक्टर आर होगा। और देखिए पॉइंट पी जो है ना ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या है एम है और यहां से यहां तक क्या है एन है। तो पॉइंट पी का यदि आपको कोऑर्डिनेट या पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम अभी क्या बोले, यदि पॉइंट पी ए बी के बाहर लाई करे तो हम कहेंगे क्या, पॉइंट पी जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ए से पी एम है, ठीक है, और बी से पी क्या है एन है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर यदि आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे याद कर रख लीजिए, इसी चीज को आप याद ऐसे रखिए, क्योंकि जब ये पी अंदर आ जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट को याद करने में भी। आप तो बस याद कीजिए यही चीज कि पॉइंट पी जो है ना ए बी के अंदर में है, केवल सेंटेंस को पकड़िए, वहां पर सेंटेंस इंटरनल का है या एक्सटर्नल का है, ठीक है ना। इंटरनल समझने में ज़्यादा आसान है बच्चे लोगों को भी। चलो देखो यहाँ पर बी बाहर है, मतलब ये ए भी बाहर है, पॉइंट पी अंदर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे अभी यहाँ पर हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसको इससे करो, इसको इससे करो, शायद हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए। तो ए से पी देखो कितना रेशियो दिया हुआ है एम, और फिर बी से पी, मतलब बी से पी एन दिया हुआ है। बस आपको तो यही मान करके चलना है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन का बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला, तो P ऑफ R वेक्टर निकालना है आपको। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला वही लगाएंगे, M को पूरा पूरी कंप्लीटली क्या करेंगे B वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्सटर्नल डिवीजन है इसीलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर N को कंप्लीटली क्या करेंगे A से मल्टीप्लाई करेंगे, वैक्टर A से। उसके बाद फिर एक्सटर्नल डिवीजन है यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, एम माइनस एन, ठीक है। बस इतना ही चीज को तो आपको याद करना है। एक है क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यदि होगा पॉइंट पी ए बी का, पॉइंट पी यदि ए बी का मिड पॉइंट होगा और इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, तब यदि आपको कहे निकालने के लिए तो आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा लीजिए, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड लगाइएगा, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या, इंटरनल डिवीजन के लिए इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए करेंगे वही काम, यहां आप इसको याद रखिएगा, बट बीच में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, दोनों के एक्सट्रीमिटीज पर जो पोजिशन वैक्टर है ना, एंड पर जो पोजिशन वैक्टर है ना, यहां और यहां दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मेरे को
मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 10.2 आप निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा कठिन है। जो जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि लिख देना चाहिए उसको हम लिख देंगे, ठीक है, जो लगेगा ऐसे नॉर्मली हम बक देंगे तो क्वेश्चन आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस आप ये बात याद रखिए, क्योंकि पूरा पूरी क्वेश्चन को लिखना फिर उसको बनाना है ना, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है फालतू का। आप अपनी किताब को अपने आगे में रखिए, ठीक है, और वहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 को आप देखिए, या तो बहुत सारे बच्चे को बुक नहीं भी रहता है। चलिए हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं, है ना, क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स। एक नंबर में है वैक्टर ए इक्वल्स टू, ऐसे नंबर एक नहीं है, यूनिट वैक्टर आई प्लस जे प्लस के, और वैक्टर बी दिया हुआ क्या है, 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस 7 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर के, और वेक्टर सी देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर के। चलिए अब देखिए यहां पर वेक्टर ए का मेरे को मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप किसी वेक्टर का जानते हैं, यूनिट वेक्टर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलिए निकालते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसको निकालते कैसे, यूनिट वेक्टर आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कि आ जाएगा रूट थ्री। ठीक है, ऐसे यहां बोला नहीं गया है यूनिट वैक्टर निकालने के लिए इसके अलॉन्ग बोला नहीं गया, बट हम यूनिट वैक्टर भी निकाल लेते हैं वैक्टर ए के अलॉन्ग, बोला नहीं गया है, हम बार बार बोल रहे हैं बट हम अपने मन से निकाल रहे हैं। ए कैप, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। चलिए वेक्टर ए देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बाय रूट 3 नहीं, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस यूनिट वेक्टर के, और ए का मैग्नीट्यूड है रूट 3। तो चलिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस 1 बाय रूट 3 इंटू यूनिट वेक्टर के। अच्छा, यदि आपको इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, मान लीजिए ये सब हम नॉट में कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपने तरफ से कर रहे हैं, समझ में आया क्या, यदि आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, यदि आपको वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, यूनिट वैक्टर आई जे के का जो कोफिशेंट है वही इस वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो अपने तरफ से ले लीजिए, 1, 1, 1 देख लीजिए, यूनिट वैक्टर आई का कोफिशेंट है 1, जे का भी कोफिशेंट है 1, के का भी कोफिशेंट है 1, तो ये हो जाएगा क्या इसका डायरेक्शन रेशियो, समझ में आया क्या। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, तो आप चाहें तो यूनिट वेक्टर ए के अलोंग जो निकला हुआ है इसी का स्केलर कंपोनेंट बोल दीजिए, या नहीं तो आप ऐसे याद रखिए, यदि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो फिर यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दिया जाए तो ये सब का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आ जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट रूट 3, 1 सभी में जो इसका स्क्वायर का सम आया है उसका स्क्वायर रूट से डिवाइड लगा दीजिए, तो 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3, आप देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसा निकला है या नहीं, ठीक है ना। चलिए बी का बात कर लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9, देख लीजिए यहाँ पर कितना आने वाला है, कितना आएगा,
ये सबको जोड़ने पर 9 9 18 4 22 और यहाँ हो जाएगा 4 2 6। अब चलिए यही केवल इतना ही निकालने के लिए मेरे को दिया गया है, ठीक है। अब अपने मन से हम निकाल रहे हैं, अपने मन से ही निकाल रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। बी कैप निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बी कैप हम कैसे निकालेंगे, बी कैप का मतलब वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 2 × यूनिट वेक्टर आई माइनस 7 × यूनिट वेक्टर जे माइनस 3 × यूनिट वेक्टर के बाय 62 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सबको अलग अलग कर लेते हैं, रूट 2 बाय रूट अंडर 62 इंटू यूनिट वेक्टर आई 7/62 का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 3/62 का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर के, ये निकल गया क्या बी कैप। चलिए अब बी में डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी। तो हम आपको बताएं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यदि आपको कहीं निकालने के लिए, तो उस वेक्टर में आई जे के का जो यूनिट वेक्टर आई जे के का जो स्केलर कंपोनेंट है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। देख लीजिए वेक्टर बी में यूनिट वेक्टर आई का स्केलर कंपोनेंट 2 है, जे का स्केलर कंपोनेंट माइनस 2 है, के का स्केलर कंपोनेंट माइनस 3 है। देयरफॉर 2 − 7 − 3 क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया क्या, यहां क्या लिखेंगे हम 2 − 7 − 3, समझ में आया, ये हो जाएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। अब चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन यदि आपसे पूछा जाए तो आप या तो ये कर लीजिए, यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के का जो स्केलर कंपोनेंट है बी कैप का, ठीक है ना, उसको लिख लीजिए, या नहीं तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो फिर आप इसके हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब का स्क्वायर का सम जब आप निकालेंगे तो रूट अंडर 62 आ जाएगा, तो 2 √62 −7 √62 एंड −3 √62, ये क्या हो जाएगा इस वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो भी निकालने के लिए सीख गए और यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी भी निकालने के लिए आपको आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर इसके ऊपर, मतलब ये जो सी वेक्टर दिया हुआ है ना इसका अब हम लोग निकालते हैं क्या क्या, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। ऐसे पूछा नहीं गया, हम बार बार बोल रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिया गया है इनका, ना तो डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, ना तो डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है निकालने के लिए। समझ में आया क्या, ये हम अपने मन से निकाल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। तो देख लीजिए सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 और सबको यदि जोड़ा जाए तो 3/3 दिस इज 1। इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड हम निकाले तो क्या आ गया, सी का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आ गया 1 आया। इसका मतलब सी इज ए यूनिट वेक्टर, है ना। सी क्या है, सी एक यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। सी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर निकालने का यहां कोई बात ही नहीं है। चलिए यहां पर थोड़ा सा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर सी, तो आप जानते हैं डायरेक्शन रेशियो वेक्टर सी क्या होगा। वेक्टर सी में यूनिट वेक्टर आई जे के का जो स्केलर कंपोनेंट है वही क्या कहलाएगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर 1/√3 है ना माइनस 1/√3, ये हो जाएगा किसका डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर सी का। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर सी का बात करेगा, आप जानते हैं वेक्टर सी खुद एक यूनिट वेक्टर है उसी का स्केलर कंपोनेंट, मतलब यही आ जाएगा फिर से, यदि वेक्टर सी खुद एक यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो हम 1/√3 − 1/√3 को ही बोल सकते हैं क्या इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया क्या, मतलब देखिए डायरेक्शन रेशियो को हम डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन को नहीं, डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन हम तभी कहेंगे जब तीनों का स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा 1। याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा हम डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियो ए बी सी को डायरेक्शन कोसाइन तब कहेंगे जब तीनों का स्क्वायर का सम कितना के बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। समझ में आया क्या, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पर बात कर लेते हैं।
काफी हल्का चैप्टर है, ठीक है। इतना इजी चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा मैथ्स के अंदर में जितना आसान वेक्टर और 3D है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, समझना रहता है बच्चा लोगों को, तो हर चैप्टर में बच्चा को समझना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जितना भी चैप्टर है डिफरेंशिएशन से भी आसान है यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज़ को। हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन से आसान है, इसका मतलब बच्चा का सबसे फेवरेट चैप्टर डिफरेंशिएशन ही होता है पूरे मैथ्स के अंदर में, उससे भी आसान है। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या कर रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कर रहा है क्या, दो अलग अलग वेक्टर आपको लिखने के लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है, है ना, हम नहीं समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कर रहा है क्या, दो अलग अलग वेक्टर्स को लिखने के लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का यदि आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर हम क्या कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी, मतलब 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस 7 इंटू यूनिट वेक्टर के, ठीक है। और एक और वेक्टर लिखना है जो मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम हो, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर उस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हो। और आप जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये सब का स्क्वायर का सम ही कहलाता है, क्या ये सब का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। इसका मतलब यदि हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में भी क्या होना चाहिए, यही सब का स्क्वायर का सम आना चाहिए। तो इसी में और वेक्टर अलग अलग भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए, 7 इंटू यूनिट वेक्टर आई कर लीजिए, चूंकि यहाँ 7 देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ था, और इसको दे दीजिए किसके साथ, जे के साथ, और यहाँ 4 इंटू यूनिट वेक्टर के। अब आप देख लीजिए ये दोनों वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा, बट डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है ना, काफी आसान काम। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। कर रहा है क्या, दो अलग अलग वेक्टर लिखने के लिए जिनका डायरेक्शन ही सेम हो, ठीक है ना। या तो आप कोई वेक्टर लिख लीजिए उसके अलावा यूनिट वेक्टर लिख लीजिए, आप जानते हैं कोई वेक्टर और उसके अलावा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, या नहीं तो एक वेक्टर लिख करके उसी में कोई स्केलर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो दोनों वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड में अलग अलग तो होगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वेक्टर ए ले लेते हैं, या वेक्टर अल्फा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर अल्फा मान लेते हैं, क्या यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के ले लेते हैं, और चलिए एक बीटा वेक्टर मेरे को लिखना है। मतलब दो ऐसे अलग अलग वेक्टर लिखना है जो मतलब क्या हो, जो डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है ना। या तो आप अल्फा कैप लिख लीजिए या वेक्टर बीटा लिख लीजिए, है ना। बीटा कैसे लिखिएगा, इसी में कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए हम आपको बताए भी थे ऐसे इसी वेक्टर के इस लेक्चर में नहीं, मतलब पीछे के लेक्चर में, किसी वेक्टर में यदि हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही प्राप्त होता है, लेकिन यदि स्केलर पॉजिटिव रहे तो दोनों जो गिवन वेक्टर है और जिसमें हम स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों का डायरेक्शन सेम आ जाएगा। यदि स्केलर 0 से कम रहेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, समझ में आ गया, वो हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इसमें क्या किया हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे एंड एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे आर इक्वल। करें क्या, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए चलिए पहले दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। क्या है, 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे इक्वल्स टू एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल तब होगा, जैसे मान लीजिए दोनों वेक्टर इक्वल आपको कब दिखेगा, ये दोनों वेक्टर मेरे को तो इक्वल तब दिखेगा जब एक्स के जगह पर 2 ले लेंगे, वाई के जगह पर 3 ले लेंगे। आप लेकर के देखिए ना, एक्स के जगह 2 लेंगे तो 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई, और वाई के जगह 3 लेकर के देखिए 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे, क्या एज इट इज दिखा आपको ऐसा ही,
तो आप याद रखिएगा, जब दो वेक्टर क्या रहे, इक्वल रहे, तो दोनों तरफ जो है ना कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो होगा ना दोनों तरफ के वेक्टर का इक्वल होगा। जैसे इधर का यूनिट वेक्टर आई का जो कोफिशियंट, इधर का यूनिट वेक्टर आई का कोफिशियंट, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इधर है टू, इधर है एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद देखिए इधर जो जे का कोफिशियंट है, इधर से जो जे का कोफिशियंट, दोनों बराबर आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना बराबर आ गया, थ्री के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या है, फाइंड द फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट टू कॉमा वन एंड टर्मिनल पॉइंट -5.7। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2.1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5.7। ध्यान दीजिएगा यहां पर कह रहा है क्या, उस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब स्केलर पहले बोला ही है ना, उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है जिनका इनिशियल पॉइंट 2.1 है एंड टर्मिनल पॉइंट -5.7 है। एक वेक्टर पहले आप बना लीजिए, ठीक है, जिनके बारे में ये बोल रहा है इतना सारा बात, ठीक है। एक वेक्टर मान लीजिए ए बी ही है, ठीक है ना, ए बी ही वेक्टर है ये, इसका इनिशियल पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है 2.1 एंड टर्मिनल पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल पॉइंट, समझ में आया क्या, जिसको हेड बोलते हैं हम लोग। यही बोला ना कि एक वेक्टर का आपको वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट निकालना है यदि उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट 2.1 है एंड टर्मिनल पॉइंट क्या है -5.7 है, समझ में आया क्या। अब चलिए वेक्टर, आपको पहले वेक्टर निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, इसका मतलब वेक्टर निकालना है, मतलब वेक्टर ए भी निकालना है। वेक्टर ए भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए, जैसे ये वेक्टर ने ए भी निकालना है, तो पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से क्या करना है, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इसमें से इसको घटाइएगा, -5 -2 कितना आ जाएगा -7। और एक्स कोऑर्डिनेट में से यदि आप एक्स कोऑर्डिनेट घटा दें तो एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे 7 -1 कितना आ जाएगा +6 इंटू यूनिट वेक्टर जे। ये वेक्टर कंपोनेंट आपको मिल गया, इट्स स्केलर कंपोनेंट, इट्स स्केलर कंपोनेंट, ठीक है ना, इसका स्केलर कंपोनेंट देखिए क्या आ जाएगा -7.6। क्लियर है, स्केलर कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन रेशियो ही एक्चुअली होता है, समझ में आया क्या। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है कुछ भी, बस आपको एक सेंटेंस पकड़ना था कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है। वेक्टर कंपोनेंट यदि आपसे पूछता है तो आप सीधा सीधे ऐसे लिखिए, वेक्टर को लिख लीजिए स्केलर कंपोनेंट का मतलब यूनिट वेक्टर आई और जे और एंड के का जो स्केलर कंपोनेंट है वही कहलाता है उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, जो वेक्टर्स यहां हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है, वो सबका सम कर रहे हैं निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में। चूंकि इस क्वेश्चन को लिखना मेरे को लगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आपको लिखेंगे बोर्ड पर तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम वेक्टर जिस वेक्टर का सम कर रहे हैं निकालने के लिए वो वेक्टर सम हम आपको यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, यूनिट वेक्टर आई प्लस नहीं आई माइनस टू जे प्लस क्या यूनिट वेक्टर के, और फिर वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखा है -2 इंटू यूनिट वेक्टर आई +4j +5 इंटू यूनिट वेक्टर के, और सी वेक्टर देखिए क्या लिखा है यूनिट वेक्टर आई -6 इंटू यूनिट वेक्टर जे और -7 इंटू यूनिट वेक्टर के। यही सब वेक्टर का सम निकालना है, चलिए ऐड कर लेते हैं सबको, है ना, ये सबको ऐड करना तो काफी आसान है। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू,
जब आप इस सबको ऐड करेंगे ठीक है, तो आई वाले को एक साथ ऐड कीजिए, जे वाले को एक साथ ऐड कीजिए एंड यूनिट वेक्टर के वाले को एक साथ ऐड कीजिए ठीक है। मेरे को आई जे के बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप समझ जाइएगा यूनिट वेक्टर का बात हम कर रहे हैं ठीक है। आई वाले को एक साथ ऐड करेंगे, जे वाले को एक साथ एंड के वाले को एक साथ, तो ये सबको यदि आप आई वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर टू जे टू आई सबको ऐड कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस सिक्स जे माइनस टू जे कितना हो गया माइनस एट जे प्लस फोर जे मतलब माइनस फोर जे आ जाएगा सबका समेशन है ना, यदि आप ये सबको ऐड करेंगे तो। यहाँ देखिए माइनस सेवन के है, यहाँ प्लस के है, यहाँ प्लस फाइव के है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो सिक्स के हो जाएगा, माइनस सेवन के प्लस सिक्स के माइनस के आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया माइनस के, तो माइनस फोर जे माइनस के आ गया इसका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या कह रहा है, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए। एक नंबर के क्वेश्चन में ही हम आपको बता दिए हैं किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, देयरफॉर ये आपसे बन जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है क्या, वेक्टर पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, जब पी क्यू देखिए दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। कह रहा है क्या वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, पी और क्यू का पोजिशन वेक्टर दे दिया है, पॉइंट्स दे दिया मतलब कोऑर्डिनेट दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट वन दिया टू दिया थ्री, और देखिए क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या दिया हुआ है फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स रिस्पेक्टिवली। समझ में आए क्या, मतलब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है वन टू थ्री और एंड पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या फोर फाइव सिक्स, तो क्या आप पी क्यू वेक्टर निकाल पाएंगे। सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकलेगा तभी तो इनके अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल सकेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू यूनिट वेक्टर आई, फिर इसके वाई में से इसके वाई को घटाएंगे तो थ्री इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस, फिर इसके जेड में से इसके जेड घटाएंगे तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू यूनिट वेक्टर के। कुछ क्षण के लिए चलिए इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए ठीक है। अब आपको ए कैप निकालना है, तो ए कैप आपको निकालने के लिए हम बता दिए हैं, ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ठीक है। वेक्टर ए कितना दिया हुआ है थ्री इंटू, या थ्री को कॉमन कर लीजिए ठीक है, थ्री इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस क्या के, और जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप वेक्टर ए का, आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे का कोफिशियंट का स्क्वायर, के का कोफिशियंट का स्क्वायर रूट, सभी के सम का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री। समझ में आया, ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, वन बाय रूट थ्री इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वन बाय रूट थ्री इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस वन बाय रूट थ्री इंटू यूनिट वेक्टर के। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, उम्मीद है, क्योंकि पहला क्वेश्चन में ही हम आपको बता दिए थे किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये सब क्वेश्चन उसी के बेस पर था, तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से पढ़ा रहे हैं तो मेरे को पता चल जाता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होगी है ना, ऐसे क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि ये सब में क्या क्या एक बच्चे से पूछा जा सकता है ना, यही सब बात है। बादमकी और हम क्या बता सकते हैं आपको, बादमकी कोई दम ही नहीं है। यूनिट वेक्टर यदि आपको किसी भी वेक्टर के अलोंग निकालना है, पहले उस वेक्टर को आप लिख लीजिए ठीक है, और उनके अलोंग आप आराम से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन भी आपसे बन जाएगा, कह रहा है क्या वेक्टर ए दे दिया वेक्टर बी दे दिया है, दोनों के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर का निकालने के लिए, दोनों का सम आप निकाल लीजिएगा, फिर उसको कोई वेक्टर मान लीजिएगा, जैसे वेक्टर आर मान लीजिए या वेक्टर ए मान लीजिए, वेक्टर बी मान लीजिए, वेक्टर सी अल्फा बीटा, जो भी मानने का मन है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको मान लीजिएगा अल्फा, तो आपको निकालना है अल्फा कैप, मतलब इनके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब अल्फा कैप निकालना है, या नहीं तो इतना आप क्यों सोचेंगे, आप तो सीधा सीधी ए प्लस बी निकालिए। चलिए ठीक है, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, तो वेक्टर ए देखिए दिया हुआ क्या क्या है, टू इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस टू इंटू यूनिट वेक्टर की। काफी आसान क्वेश्चन है, ये सब बताऊं तो भी चलेगा, यदि मैं नहीं बताऊं तो भी आप लोगों से बन जाएगा ये उम्मीद है ठीक है। अब चलिए दोनों को ऐड करते हैं, टू आई में से आई जाएगा तो बचेगा क्या प्लस आई, इसको फिर इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा जे वाला पार्ट, टू के माइनस कितना के, तो आ जाएगा कितना प्लस के। अब देखिए इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो लाजमी है ना, तो
आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे का कोफिशियंट का स्क्वायर रूट, दिस इज क्या आ जाएगा रूट टू। तो आप याद रखिएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई प्लस जे बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू इंटू यूनिट वेक्टर आई और वन बाय रूट टू इंटू यूनिट वेक्टर जे। बस आप ऐसे ही निकालते रहिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्या दोनों वेक्टर को कोलिनियर प्रूव्ड करना है, ठीक है। कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर कब कहलाता है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, जब वेक्टर मतलब किसी एक वेक्टर में यदि आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वेक्टर के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे दोनों वेक्टर कोलिनियर है। आप यूं ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा इन टू, यदि वेक्टर बी आ गया तो हम क्या कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है कोलिनियर है। चलिए देखते हैं सच में क्वेश्चन नंबर 11 कोलिनियर है क्या। कर प्रूव नहीं करने के लिए, चलिए एक वेक्टर को हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं, टू इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस थ्री इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस कितना फोर इंटू यूनिट वेक्टर के, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है क्या माइनस फोर इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस सिक्स इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस एट इंटू यूनिट वेक्टर के, ये दोनों को मेरे को कोलिनियर प्रूव्ड करना है, समझ में क्या। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें से आप क्या कर सकते हैं माइनस टू कॉमन निकाल सकते हैं क्या वेक्टर बी में से, क्या बचेगा यहाँ पर टू इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस थ्री इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस फोर इंटू यूनिट वेक्टर के, और ये वेक्टर ए है माइनस टू इंटू वेक्टर ए। तो आपको यहाँ क्या दिखा, ये सबको लेमडा यदि हम कुछ क्षण के लिए मान लें तो वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू ए आया, हेंस आप बोल सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है ना। वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर बी आए या वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर ए आए, तो दोनों ही केस में हम क्या कहेंगे ये दोनों वेक्टर को हम कह सकते हैं क्या कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे हो जाएगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है। अभी हम आपको बताए थे किसी वेक्टर का यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहे तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग जो इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ना उसी का स्केलर कंपोनेंट मतलब यूनिट वेक्टर आई जे के का कोफिशियंट क्या कहलाता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ये आप खुद से निकालिएगा, ठीक है। 13 नंबर में भी यही बात कर रहा है, 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, कह रहा है क्या पॉइंट ए और बी को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है ठीक है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, वन टू माइनस थ्री और इसका देखिए क्या है माइनस वन माइनस टू और वन। अच्छा चलिए वेक्टर ए भी निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा माइनस टू इंटू यूनिट वेक्टर आई, इसमें से इसको घटाइएगा माइनस फोर इंटू यूनिट वेक्टर जे, इसमें से इसको घटाइएगा प्लस फोर इंटू यूनिट वेक्टर के। आपको वेक्टर पता चल गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन आप आराम से निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको इनके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, माइनस टू के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस फोर का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा सिक्सटीन, ये आ जाएगा सिक्सटीन, कुल मिलाकर के देखिएगा तो क्या निकलेगा 36। देख लीजिए 16 16 32 4 36 होता है ना। अब आप यहां लिख लीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी, क्या आ जाएगा वेक्टर ए बी बाय वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ए बी बाय वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड माइनस टू इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस फोर इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस फोर इंटू यूनिट वेक्टर के, मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगाइएगा। तो चलिए अब अलग अलग कर लेते हैं, माइनस टू बाय सिक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस फोर बाय सिक्स इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस फोर बाय सिक्स इंटू यूनिट वेक्टर के माइनस वन बाय थ्री इंटू यूनिट वेक्टर आई, और यहाँ हो जाएगा टू बाय थ्री इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस टू बाय थ्री इंटू यूनिट वेक्टर के,
अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी यदि आपसे पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर आई जे एंड के का जो स्केलर कंपोनेंट है ना वही होगा। पहला ही क्वेश्चन में हम आपका कंसेप्ट को काफी अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, पूरा का पूरा। ये सब नहीं भी बताते तो भी मेरा काम चल जाता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो दैट द वेक्टर यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड इंक्लाइन टू द एक्सिस सो दैट द वेक्टर यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। करें क्या आपको प्रूव्ड करने के लिए कि जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक ना, सभी एंगल क्या है बराबर है, ये आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, मतलब देखिए देख लीजिए यहां पर, मतलब क्लियर है, यही है वो वेक्टर। इसको नाम दे देते हैं वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस क्या के। ऐसे जब तक आप डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हम पढ़ाएंगे वहां पर भी ये क्वेश्चन हम बता देंगे, अभी यहाँ हम बता देते हैं, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो शायद हो सकता है आपको ये लगे कि सर को क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है, इसीलिए क्वेश्चन को क्या किए छोड़ दिए। बच्चे लोगों के दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है ना, इसीलिए हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, मेरे को देखिए प्रूव्ड क्या करना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या गामा, प्रूव्ड करना है अल्फा एंगल बीटा एंगल और गामा एंगल क्या है इक्वल है, ये आपको दिखा देना है। ठीक है, अब यहां देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या आपको मालूम है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट यदि आपको निकालना रहे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि आपको लिखना रहे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट ऐसे निकलता है, यहां ध्यान दीजिएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या कॉस थीटा। इस पर बिल्कुल अभी हम बात ही नहीं करना चाहते, क्वेश्चन केवल हम बना देते हैं, समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा आगे वाले चैप्टर में। अब जैसे देखिए यहां पर मेरे को कॉस अल्फा के का निकालने के लिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर तो पता नहीं है लेकिन यूनिट वेक्टर पता है, जो यूनिट वेक्टर आई है, तो ऐसा करते हैं इस वेक्टर के साथ यदि कोई आदमी एंगल निकाले और इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ एंगल निकाले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम कॉस अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर आई डॉट वेक्टर आर बाय आई का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, समझ में आया क्या। अब देखिए आई डॉट कीजिएगा किससे, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, वन, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड वन और r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या रूट थ्री। अब i से i को डॉट कीजिएगा, i डॉट i हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा बाकी का जीरो बाय रूट थ्री, दिस इज वन बाय रूट थ्री। सिमिलरली cos बीटा आप निकाल लीजिए इसी प्रकार से, तो यूनिट वेक्टर j डॉट, यही आपको r ही करना पड़ेगा, j का मैग्नीट्यूड एंड r का मैग्नीट्यूड, चूंकि y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर i जे है ना, जे को इसके ऊपर ओवरलैप करा दिए, जो यूनिट वेक्टर जे के साथ एंगल बनेगा इस वेक्टर का वही वाई एक्सिस के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस क्या के बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन इंटू रूट थ्री, इसको ऐसे कीजिएगा जीरो आ जाएगा, इसको ऐसे कीजिएगा वन आ जाएगा, दिस इज वन बाय रूट थ्री। सिमिलरली आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, यदि आप कॉस गामा भी निकालिएगा तो वन बाय रूट थ्री ही आएगा, आप निकाल के देखिएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा आएगा इतना ही। तो इसको इक्वेशन एक मान करके चलते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन दो और इसको इक्वेशन कितना थ्री, तो क्या देखें फ्रॉम वन टू एंड थ्री,
सबके सब 1/√3 1/√3 1/√3 के बराबर है। इसका मतलब cos अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा इक्वल्स टू क्या, cos गामा। cos को हटा लीजिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। मतलब यदि सभी एंगल बराबर है, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ाने लगेंगे वहां पर इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। चलिए इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P and Q, whose position vectors are unit vector I plus 2j minus k and minus unit vector I plus j plus k respectively in the ratio टू is to वन। एक में दिया हुआ है क्या है, internally, दो में दिया हुआ है externally। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर इतना एंड इतना। कह रहा है कि पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए जब पॉइंट आर पी क्यू को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और जब एक्सटर्नली क्या करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आया क्या, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, जब पॉइंट आर लाइन पी क्यू को, लाइन सेगमेंट पी क्यू को, ठीक है, 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यहां पर, क्लियर है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं सॉल्व। पहले आप क्या कीजिए, पी लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, यहाँ Q लिख लीजिए, इसी में कहीं R लिख लीजिए जिनका पोजीशन वेक्टर P ऑफ R है, ठीक है ना। P का देखिए पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये मेरे को निकालना है, वेरिएबल पॉइंट है ना, निकालना है। आप याद कीजिए सेक्शन फॉर्मूला, वहाँ पर हम आपको भी बता दिए, जस्ट इसी लेक्चर में तो बोले हैं। और यहाँ देखिए क्या है, माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, और रेशियो भी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 1 दे रखा है। एक नंबर में देखिए इंटरनल डिवीज़न है, एक नंबर में क्या है, इंटरनल डिवीज़न है। तो इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई तो करेंगे यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें कम्प्लीटली, है ना, बट प्लस का साइन लगाएंगे। वन से इसमें करना है और दोनों रेशियो को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। ये आप खुद से कर लीजिएगा, इतना तो हम नहीं करेंगे। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बस करना इतना ही, बीच में केवल माइनस लगा दीजिए, बस हो गया। बच्चा को लगता है इतना ही बस, हाँ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला तो तुमको बता दिया ना पहले ही, हम बस इतना ही तो करना है। थ्योरी जब कंप्लीट हो जाती है ना तो प्रॉब्लम को डिस्कशन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है, यदि आप थ्योरी अच्छे से किए हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है जब पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, पीवी से पोजीशन वेक्टर आप समझिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4 एंड, मेरे को खुद जहां लगेगा क्वेश्चन लिखना चाहिए वहां पर हम लिख देंगे और लिखे भी हैं। कह रहे क्या पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के मीड में जो पोजीशन मतलब वेक्टर होगा ना उस पॉइंट का मीड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, मतलब क्या पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का जो मीड पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। कह रहा है कि पॉइंट पी तथा क्यू को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ना उसके मीड में जो पॉइंट है उन उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, निकालना है। काफी आसान है, चलिए पी क्यू वेक्टर आप खींच लीजिए, सही है ना। तो इसका मीड में यही है, तो आप क्यू का कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं या नहीं तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ करके मतलब इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जोड़ दीजिए, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जोड़ करके आप सीधा सीधे क्या कीजिए डिवाइड लगा दीजिए। तो चलिए मान लेते हैं क्यू का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, तो आप क्या कीजिए ओपी के पोजीशन वेक्टर में क्यू के पोजीशन वेक्टर को मतलब पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर में पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके टू से डिवाइड लगा लीजिएगा, तो पी क्यू के मीड में जो पॉइंट है ना उनका पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वेक्टर को लिख लेते हैं, 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई, 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे, 4 इंटू यूनिट वेक्टर के, और यहां पर इसका लगाइएगा 4 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे माइनस 2 इंटू यूनिट वेक्टर के बाय 2, ये दोनों को जोड़िए, 4, 2, 6 इंटू यूनिट वेक्टर आई, इसको करेंगे तो 4 इंटू यूनिट वेक्टर जे, इसको करने पर प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर के बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस के। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनके मीड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो इसके मीड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ऐसे मीड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाते थे, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाते थे, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाते थे, यहाँ वेक्टर को जोड़ना है 2 से डिवाइड लगा देना है, बस दोनों का बात सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तो काफी आसान है। देखिए कह रहा है क्या, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजिशन वैक्टर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पोजिशन वैक्टर दे दिया है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसिस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है क्या प्रूव्ड करने के लिए कि जिन ट्रायंगल का वर्टिसेस ए बी सी है और जिनका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर के, ठीक है, और यहां देखिए 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस जे प्लस के, और यहां पर देखिए क्या है यूनिट वेक्टर आई माइनस 3 जे माइनस 5 के है। कह रहा है कि ये ट्रायंगल जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव्ड करना है मेरे को, ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स इतना इतना विद पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है ए बी सी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये आपको प्रूव्ड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर वेक्टर बी सी निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर वेक्टर ए सी निकाल लो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं जो बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर यदि आ गया तो हम समझ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस को मतलब ये सब राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है।
तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, टू आई में से थ्री आई जाएगा तो माइनस आई बचेगा, फिर इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो प्लस थ्री जे, फिर चलो इसमें से ये जाएगा तो प्लस क्या आ जाएगा, फाइव के। फिर सी के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस आई, फिर इसमें से इसको घटाना है, समझ में आया क्या, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस टू इंटू यूनिट वेक्टर जे, इसमें से इसको घटाना है माइनस सिक्स इंटू यूनिट वेक्टर के। ए सी निकालना है, ए सी का मतलब सी में से इसको घटाएंगे, सी में से इसको, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा क्या माइनस टू इंटू यूनिट वेक्टर आई, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो प्लस क्या जे, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा क्या के। सबसे पहले तो आप ये जानिए, जब तक मेरे को ये साइड और ये साइड और ये साइड नहीं मिलेगा तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। ये साइड ये साइड ये साइड निकाल लेते हैं, ये वेक्टर निकल गया साइड के टर्म में, ठीक है। अब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा नाइन, ये आ जाएगा क्या ट्वेंटी फाइव, ये आ जाएगा दस, पैंतालीस हो गया क्या, नहीं पैंतीस, पच्चीस दस पैंतीस। और यहां देखिए बी सी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कीजिएगा आ जाएगा वन, इसका स्क्वायर कीजिएगा फोर, इसका स्क्वायर कीजिएगा छत्तीस, ये आ जाएगा क्या फोर्टी वन। और इसका कीजिएगा ए सी का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस साइड का लेंथ, ये हो जाएगा क्या फोर प्लस वन प्लस वन, मतलब रूट अंडर सिक्स हो गया। अब आप यहां देख सकते हैं, और बी सी के मैग्नीट्यूड को ए बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली आप ए बी भी लिख सकते हैं, बीसी के वेक्टर बीसी के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली बीसी लिख सकते हैं, एसी के मैग्नीट्यूड को सिंपली आप एसी बोल सकते हैं। तो यहां आप देख लीजिए बीसी स्क्वायर हियर, बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दस आप बोल सकते हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल, समझ में आया क्या, एबीसी किसका वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या इन ट्रेंगल, क्वेश्चन लिख देते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी, फिगर दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वैक्टर सी ए इक्वल्स टू जीरो वैक्टर, वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी सी माइनस वैक्टर ए सी इक्वल्स टू जीरो वैक्टर, वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए, डी में देखिए क्या है वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो यहां देखिए सिंपली आप ये एक चीज तो पक्का समझ सकते हैं, ए सी यहां रिजल्टेंट है तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, ठीक है ना। एक बात यहां से आपको दिख रही है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, चूंकि इसमें देख लीजिए हम मतलब सभी का आर एच एस जीरो के बराबर है, तो हम यहाँ क्या किए जीरो के बराबर कर लिए आर एच एस को। अब जैसे ही आप ये दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर इंटरचेंज करने का मतलब क्या, जैसे वैक्टर ए सी है ना,
फिर जैसे आप इसको इंटरचेंज करेंगे ना तो माइनस सी ए वैक्टर के बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव वैक्टर के बराबर आ जाएगा, ये दोनों निगेटिव वैक्टर है ए सी और सी ए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या? जैसे आप ऐसे समझिए कि यदि आप हेड के जगह पर टेल को, टेल के जगह पर हेड को देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वेक्टर में। जैसे यहां देखिए मेरे को बीसी वेक्टर को इंटरचेंज करना है, हेड को टेल के जगह पर देना है, टेल को हेड के जगह पर, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इसके जगह, इसको इसके जगह पर, क्या आ जाएगा ये सी ए तो दे देंगे, लेकिन यहां माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए ए बी प्लस बी सी सही है, यहां से यहां तक ठीक है, और प्लस सी ए है, तो ऐसे भी जब आप इसको इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस तो आ ही जाएगा, तो ये सही है। और यहाँ इनकरेक्ट को कराए खोजने के लिए, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी है माइनस ए सी, देख लीजिए इधर आने पर, मतलब ये ऑप्शन तो सही है लेकिन इनकरेक्ट को कराए खोजने के लिए। अब यहां देखिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी माइनस सी, ऐसा तो नहीं है ना, माइनस सी तो नहीं है, मतलब ये हो गया इनकरेक्ट, तो ये सही है, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन खोजना है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है, इसमें से कौन सा है। आगे वाले ऐसे काफी इजी है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप अभी आप पढ़ रहे होंगे यदि क्वेश्चन, तो कह रहा है क्या, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वैक्टर्स, यदि ए और बी क्या है, दो कोलिनियर वैक्टर्स है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा इन टू वैक्टर, ये तो सही है, जब ए और बी क्या रहेगा, कॉलिनियर रहेगा ना, तो हम किसी एक वेक्टर में लेमडा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेमडा एनी रियल कांस्टेंट है। वेक्टर ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है लेकिन यहाँ प्लस माइनस बी ही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है बोलना कि, जैसे मान लीजिए वैक्टर ए इक्वल्स टू यदि हम लोग लेमडा इन टू वैक्टर बी करते हैं तो सही है, कोई जरूरी है कि यदि कॉलिनियर रहेगा तो माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस ए से ही वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी दो ऑप्शन जो और है आप यहाँ जब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना ये सब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी क्या है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं, काफ़ी आसान चैप्टर है, यदि आप देखेंगे मेरे पीछे वाले लेक्चर को तो ये आपको पूरा कंप्लीट होते हुए दिखेगा, ठीक है ना। अब बच गया डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम आपको आगे वाले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर लेंगे उसी एक्सरसाइज, मतलब उसी लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आएगी, उसका थ्योरी और उसी के साथ प्रॉब्लम का डिस्कशन। चलिए स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय।